व्हाट्सअप गाइज, इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग पाइथन और ब्यूटीफुल सूप की मदद से वेब स्क्रैपिंग करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह आप लोग वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके लिए पाइथन आपको किस तरह के टूल्स प्रदान करता है, लेकिन इस गीकी से इंट्रो के बाद। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, मान लीजिए मैं IMDB खोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ IMDB बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ ऑल टाइम या कुछ भी। देखो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है टॉप 50 ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ ऑल टाइम, यानी कि इन्होंने मुझे एक डेटा दिया, इन्होंने किसी हिसाब से किसी ग्राउंड पे इन्होंने ये लिस्ट बनाई होगी, तो ये लिस्ट इन्होंने मुझे यहाँ पर जो है प्रदान करी है और ये प्रदान करने के बाद जो है इन्होंने इसके बारे में डिटेल्स वगैरह दी है। अब मान लो मुझे ये डेटा चाहिए और मैं इसको अपने किसी डेटाबेस में या फिर अपनी किसी फाइल में या फिर एक डॉक बनाना चाहता हूँ इस डेटा का, तो दो तरीके हैं, एक तो एक एक करके इनको मैनुअली स्क्रैप कर लो, दूसरा प्रोग्रामेटिकली कर लो एक काम, पाइथन की मदद से या फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से या फिर काफ़ी तरीके हैं। इन सारे तरीकों में से एक तरीका है इसको पाइथन की मदद से करना और वो सबसे आसान मेरे हिसाब से, शायद किसी के हिसाब से ना हो, या आपको अगर जावास्क्रिप्ट आती हो तो आप लोग को जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन ज़्यादा पसंद हो, लेकिन लोग ज़्यादातर पाइथन में स्क्रैपिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंटली काम करती है और काफ़ी अच्छी तरह जो है आप लोग इसका कोड लिख पाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोग को इस बारे में बताऊँगा, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है, अगर आप लोग मेरे youtube.com/hindicodingzone पर जाएँ /hindicodingzone तो मैंने एक सीरीज़ ऑलरेडी बना रखी है फैंटम जेएस में, जहाँ पर मैंने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, शायद वो वन ऑफ द वेरी फर्स्ट सीरीज़ ऑन दिस चैनल थी, तो वहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा टेस्ट दिया था स्क्रैपिंग का कि किस तरह आप लोग जो है वेब से कंटेंट को अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फैंटम जेएस नाम की एक यूटिलिटी की बात की थी जो एक हेडलेस ब्राउज़र होता है। आप लोग को ये सारे वीडियोज देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है ये सीरीज़ देखिए ब्यूटीफुल सूप वाली, क्योंकि ये मैं ब्रांडली इसीलिए बना रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो चार वीडियोस हैं ये जस्ट सिंपल सी फैंटम जेएस की स्क्रिप्ट्स हैं जो कि मैंने डिस्कस की हैं बहुत ही क्विकली, दो दो मिनट के वीडियोस हैं, चाहो तो देख भी सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी देख सकते हो। तो क्या है कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मुझे अपने आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी वेब स्क्रैपिंग करने की, जैसे कि मेरे वीडियोज़ हैं, अगर मुझे किसी को एक लिस्ट भेजनी है किसी एक चैनल पर सारे वीडियोज़ अपलोडेड जो है उसकी, तो मैं एक एक करके क्या इनको कॉपी करूँगा और एक एक करके फाइल में डालूँगा, ऑब्वियसली नॉट। मैं क्या करूँगा, इसकी जो HTML है उसमें से इस जो डेटा मुझे चाहिए उसको स्क्रैप कर लूँगा। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि आप मैनुअली कर लो कोई काम को, एक होता है आप लोग प्रोग्रामेटिकली कर लो। अगर आप प्रोग्रामेटिकली करोगे तो मशीन आपके लिए काम करेगी और आप लोग बस वेट करोगे कुछ सेकंड्स का, जो कि मशीन लेगी टाइम काम करने में। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा ये कोई भी वेबसाइट होती है उसका एक कोड होता है और वो कोड आपका ब्राउज़र जो है सर्वर से मंगाता है। जब भी आप एक सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको हम गेट रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, अगर आप लोगों ने बोला कि youtube.com/hindicodingzone दो, तो वो ये डेटा भेजेगा, ये डेटा नहीं भेजेगा, वो ये डेटा भेजेगा। उसके बाद ये डेटा को ये डेटा में कन्वर्ट करने का काम ब्राउज़र करता है। अब होता क्या है कि ये जो डेटा होता है इसमें ऑब्वियसली ये सब चीज़ें छुपी हुई हैं कहीं ना कहीं, तो इस रेलेवेंट डेटा को अपनी फाइल्स में सेव करने के तरीके को हम लोग स्क्रैपिंग कहते हैं। तो ये काम मैं करूँगा ब्यूटीफुल सूप की मदद से। तो अगर मैं ब्यूटीफुल सूप लिख दूँ यहाँ पर और इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलूँ, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मैंने गलत वेबसाइट खोल दी है, लेकिन इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो अगर मैं वो खोल दूँ और आप लोग को दिखाऊँ, तो वहाँ पर इन लोगों ने अपना जो डिटेल्स हैं वो डाले हुए हैं, जो कि बहुत बड़े हैं और काफ़ी टाइम लगता है उसको समझने में। मैं इस सीरीज़ की मदद से आप लोग को ये सारा ब्यूटीफुल सूप चंद वीडियोस में सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा और ये भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है अच्छे से स्क्रैप करना सीख जाएं वेबसाइट्स को। मैंने पर्सनली जब स्टार्ट किया था वेबसाइट स्क्रैपिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और मैं बिल्कुल कर नहीं पा रहा था शुरू में, तो समझ में ही नहीं आ रहा था चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह मैंने ये सब किया, सीखा, पढ़ा, तो मुझे समझ में आने लग गई। तो आप लोग को जो सबसे पहले आप लोग के दिमाग में सवाल होगा, एक उठ रहा होगा कि क्या मुझे जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, तो मैं कहूँगा ना, नहीं आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट आपको, नहीं आना चाहिए, लेकिन HTML की जो टैगिंग होती है वो सब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छा बेस बना लें तो आप मेरा ये वीडियो देखिए, लर्न HTML इन वन वीडियो, आधे घंटे में आप लोग को टनाटन HTML आ जाएगा। HTML कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी है और एक दो कॉन्सेप्ट हैं क्लाइंट साइड सर्वर साइड के, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। इसका वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर मैं ना भी डालूं तो आप लोग चैनल पर जाके इसको सर्च करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की, इस वीडियो में
इन वीडियोज़ में, यानी कि जो सीरीज़ होगी मेरी पूरी ब्यूटीफुल सुप की, उसमें मैं क्या बताऊँगा, उसमें मैं आप लोग को वेब स्क्रैपिंग के बारे में बताऊँगा, उसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि किस तरह आप लोग इस तरह के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आने वाले जब मैं मशीन लर्निंग के वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तब मैं जब डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगा, वो मैं एज्यूम करूँगा कि आप लोग को आता है और आप लोग वेब का डेटा एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं, और वहाँ पर हम लोग इस डेटा को यूज़ करके मशीन को ट्रेन करेंगे और काइंड ऑफ एआई बनाएंगे। तो वो वीडियोस की बात तो अभी बाद में करेंगे, अभी करते हैं इन वीडियोस की बात। तो मैंने जिस तरह आपको डेटा विजुअलाइजेशन बताया था, मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोग को बताई थी, लेकिन डेटा जब होगा तभी कुछ हो पाएगा ना। डेटा एनालिसिस तब हो पाएगा जब डेटा होगा, डेटा विजुअलाइजेशन तब हो पाएगा जब डेटा होगा। तो ये जो डेटा होगा का जवाब है, वो मैं आप लोग को इस वीडियो सीरीज से देना चाहता हूँ कि वीडियो का डेटा कहाँ से आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कुछ वीडियोज़ और उनके व्यूज़, उनके लाइक्स और उनके डिसलाइक्स, तो आप YouTube से स्क्रैप कर सकते हैं। हालांकि YouTube अलाउ नहीं करता है स्क्रैपिंग, तो आप लोग एक बार किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस देख लीजिए, कहीं आप कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं करते हुए। और ज़्यादातर जो वेब है आप लोग स्क्रैप कर सकते हैं, वो अगर लीगल है कोई काम तो ऑब्वियसली आप उसको करने से ना ही डरें तो अच्छा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था वेब स्क्रैपिंग का। अगले वीडियो से हम लोग ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे और काम करना शुरू करेंगे। अगर आप लोग को पहले से पता है तो आप लोग पिप की मदद से अपने ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल्स जो है इंस्टॉल करके रखिए, और हम लोग जो है कोडिंग चालू करेंगे अगले वीडियो से। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, कर दिया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।